हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमपी डिलाइट। फ्रेंड्स, आज मैं जो रेसिपी आपको सिखाने वाली हूँ उसका नाम है वेज पुलाव। दोस्तों, वेज पुलाव तो मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है, आज का वेज पुलाव कुछ अलग तरीके से बताने वाली हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आपका पुलाव एकदम खिला खिला बनेगा। काफ़ी टाइम ये पुलाव चिपचिपा बन जाता है, लेकिन आप मेरी ट्रिक को फॉलो करोगे ना तो आपका पुलाव एकदम खिला खिला बनेगा। और उसके लिए आपको मेरी ये वीडियो आखिर तक देखनी है। तो चलिए दोस्तों, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने अराउंड 750 ग्राम चावल ले लिए हैं। ये कोई बासमती राइस या बिरयानी राइस नहीं है, नॉर्मल घर के चावल है जिन्हें मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने आधा किलो के करीब मिक्स वेजिटेबल्स ले ली है, जिसमें फ्लावर है, बीन्स है, गाजर है, कैप्सिकम है, और इसमें मैं पटाटो भी यूज़ करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने गैस के ऊपर एक बड़ा सा पॉट ले लिया है जिसमें मैं इस पुलाव को बनाने वाली हूँ। और इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, ऑयल मैंने अराउंड 3 से 4 टेबलस्पून इसमें ऑयल ले लिया है। और अब मैं इसमें कुछ खड़े मसाले डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर हरी इलायची डाल दी है, लौंग डाल दी है, काली मिरी डाल दी है, इसमें मैंने 1 टीस्पून शाहजीरा डाला है। शाहजीरा आप याद से डालिएगा, इससे बहुत ही टेस्टी फ्लेवर इस वेजिटेबल पुलाव को आएगा। और साथ में मैंने यहाँ पे कुछ तेज़पत्ता डाला है और 2-3 टुकड़े दालचीनी के भी इसमें डाल दिए हैं। अब इन खड़े मसालों को अच्छी तरह से तेल में हम फ्राई कर लेंगे। अब इसके साथ मैंने यहाँ पे 3 प्याज को चॉप करके ले लिया था, तो वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और प्याज का कलर अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे इस ऑयल में फ्राई कर लेना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे प्याज गोल्डन ब्राउन कलर की हो चुकी है, तो इस मोमेंट हम यहाँ पर एक बड़ा सा टमाटर चॉप करके इसमें डाल देंगे और इसे भी प्याज के साथ नरम होने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब मैं जो वेजिटेबल्स मैंने चॉप करके रखे थे उन्हें इसमें डाल रही हूँ। वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से धोकर ले लीजिएगा। अब सारी वेजिटेबल्स को मैंने इसमें डाल दिया है। और यहाँ पे मैं 3 आलू ले रही हूँ जिसे मैंने हाफ पीस में कट कर लिया है। और अब इन सारी वेजिटेबल्स को भी प्याज के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस वेजिटेबल पुलाव में हम रेड चिली पाउडर और हल्दी का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, लेकिन फिर भी ये पुलाव स्पाइसी भी बनेगा और टेस्ट में बहुत अच्छा बनेगा। तो आप देखिए मैं इसमें क्या क्या मसाले डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। इसके साथ में अब इसमें डालूंगी 2 टीस्पून भरकर हरी मिर्ची का पेस्ट। हाँ, तो इसी से हमारा पुलाव बनने वाला है तीखा। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून भरकर धनिया पाउडर और 2 टीस्पून ही हम इसमें डाल देंगे जीरा पाउडर। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून भरकर गरम मसाला पाउडर। अब इसके साथ हम एक सीक्रेट मसाला इसमें डालने वाले हैं, जो कि है किचन किंग मसाला। तो ये मसाला भी हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून भरकर। इससे इस पुलाव को बहुत ही बढ़िया सी टेस्ट आएगी। अगर आपके पास ये मसाला नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी इस पुलाव को बनाकर खा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने किचन किंग मसाला डाल दिया है और अब इन सारे मसालों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो करीब हमें 1 से 2 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से मसालों के साथ भून लेना है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास पुलाव मसाला है तो आप किचन किंग मसाला के बदले में आप उसे भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें डाल देंगे नमक, जो कि मैं यहाँ पे 4 टीस्पून डालने वाली हूँ, क्योंकि हम इसमें चावल भी ऐड करने वाले हैं, तो वो हिसाब से हमें इसमें नमक पहले ही डाल लेना है। और अब नमक के साथ भी इन सब्जियों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। दोस्तों, रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे लाइक ज़रूर दे दीजिएगा और अपने चाहने वाले के साथ मेरी रेसिपी को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ओके, यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से वेजिटेबल्स को मिक्स कर लिया है। और अब मैं इसमें अराउंड 5 ग्लास पानी डाल दूँगी और इसे हम कवर करके करीबन 10 से 15 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं, आप देख सक रहे हो पानी अच्छी तरह से उबल रहा है और हमारी जो वेजिटेबल्स है वो भी 80% कुक हो चुकी है। अब इस मोमेंट पे हम इसमें जो चावल हमने भिगो के रखे थे उन सारे चावलों को इसमें हम डाल देंगे।
दोस्तों पहले वाला जो पॉट था वो छोटा पड़ रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉट को थोड़ा चेंज कर लिया है, क्योंकि चावल जब पकते हैं तो फूल कर ऊपर आते हैं, तो वो हिसाब से भी आप बर्तन ले लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने चावलों को भी इसमें डाल दिया है और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है। एक बार आप यहाँ पर नमक टेस्ट कर सकते हो, अगर आपको कम लगे तो आप इसमें और नमक डाल सकते हो। और अब मैं इसे कवर करके और 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, या तब तक जब तक इसका पूरा पानी एब्जॉर्ब नहीं हो जाता। तो फ्रेंड यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हो पूरा पानी चावलों ने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि एक बार इसे पूरा अच्छी तरह से ऊपर नीचे हिला लेना है और चावल को दबा कर देखना है। यहाँ पे मेरा चावल 80% कुक हो चुका है, लेकिन आप गलती से भी इस मोमेंट पे यहाँ पे पानी मत ऐड कीजिएगा, वरना आपका पुलाव चिपचिपा हो जाएगा। तो जो अब मैं ट्रिक आपको बता रही हूँ वो ट्रिक आप यूज़ कर दीजिए। अब इस मोमेंट पे आपको करना क्या है कि इसके ऊपर अच्छा सा एक मोटा सा न्यूज़पेपर रख देना है और फिर इसको कवर करके इसके ऊपर एक भारी सी चीज़ रख लेनी है। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, मैंने यहाँ पे एक न्यूज़पेपर रख दिया है और इसके ऊपर मैं आप इसे कवर करके इसके ऊपर एक मैं भारी सी बर्तन रख रही हूँ, जिससे कि इसकी भाप जो है वो बाहर नहीं निकलेगी। और अब हम इसे 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम होने देंगे। तो यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया सा पुलाव बनकर रेडी हो चुका है। अब इस चावल को दबाकर देख सकते हो, चावल मेरा पूरी तरह से पक चुका है और पुलाव भी बहुत खिला खिला बन चुका है। तो मैं इसे आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो दोस्तों पूरा घर खुशबू से महक रहा है और आप देख सक रहे हो कि कितना बढ़िया सा हमारा वेजिटेबल पुलाव बनकर रेडी हो चुका है। तो देखा दोस्तों कितनी आसान सी ट्रिक है। आप न्यूज़पेपर के इंक का ज़रा भी टेंशन मत लीजिए, ये बिल्कुल भी चावल को चिपकता नहीं है, ये बस दम पे बहुत अच्छी तरह से पुलाव पक जाता है न्यूज़पेपर रखने से, और जब वो पक जाए तो आप उसे हटा देना। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में और एक नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे भी दुआओं में याद रखिए। तो फिर मिलती हूँ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।